गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो रात में हम कोची में रुक गए थे और हमें जाना था एलेप्पी, लेकिन काफी बारिश हो रही थी तो हमने सोचा बेटर होगा यहाँ रुक के मॉर्निंग को एलेप्पी के लिए निकले। तो अभी बज रहे 9 और हम एक घंटा में एलेप्पी पहुंच जाएंगे। और आप जाके चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में, वायनाड के जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनका विजिट है, और डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से जाके देख लेना। और अपनी धन्नो फुल रफ्तार में है, कल रात को भी फुल रफ्तार में ही थी अपनी धन्नो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट थोड़ी लाइट की कमी थी जो कि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है वैष्णो का, तो वो आएगा तो उसके बाद अपने को नाइट में भी ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। 18,000 का लाइट है और फिटिंग वगैरह करवा के अप्रॉक्स 22 तक आ जाएगा, तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी, बस हैदराबाद पहुंच जाओ उसके बाद। काफ़ी अच्छा वेदर है कोची का, और ऐसे तो एलेप्पी में अभी हाई अलर्ट है रेन का, बट देखते हैं, वो तो वायनाड से ही मैं देख रहा हूँ कि हाई अलर्ट रेन सेंस अलर्ट समथिंग कुछ आ रहा है, बट था भी यार रात भर करीब 6 घंटे मैं ड्राइव किया हूँ और 6 घंटे कंटिन्यू मुझे वायनाड से कोची तक कंटिन्यू बारिश, मुश्किल से 1-2 जगह ड्रिजलिंग हुई होगी, अदरवाइज फुल बारिश, मतलब बहुत तावर तोड़ जिसको कहते हैं ना, एकदम तावर तोड़ बारिश थी। तो चलिए देखते हैं, रोड तो काफ़ी अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है, तो पता नहीं अब कैसे क्या होगा, बट चलिए कोई बात नहीं, हमें एलेप्पी जाना है, हमें जो जो चीज़ है हमारी वो कवर करके आज हमें मुन्नार निकलना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि हर स्पेस प्लेस का एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आज मैं एलेप्पी जाऊँगा तो एलेप्पी का एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ करने को है, मस्ट विजिटेड प्लेस, बट वायनाड का मैं पार्ट वाइज बनाया हूँ, डिपेंड्स ऑन द प्लेसेस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है और चीज़ें देखने को और समझने को काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ वायनाड में। जैसे आप ग्लास ब्रिज जाएंगे तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, वाटरफॉल जाएंगे या केव जाएंगे, तो हर चीज़ का मैं एक स्पेसिफिक छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा 3-3, 4-4 मिनट का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब एक वीडियो में सब कुछ डाल के खिचड़ी करने से अच्छा है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये है हमारी शिकारा राइड की बोट और इस पे हम चलेंगे घूमने। ये जो आप देख रहे हैं तो यहीं से वो रेस स्टार्ट होती है बड़ी वाली बोट की, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने देखा होगा एक बोट रहती है लंबी सी पतली सी जिसमें 50-100 जन लोग रहते हैं, तो इस यहीं से वो राइड स्टार्ट होती है। काफ़ी सुंदर है, बैक सी वाटर का लेवल काफ़ी हाई हो गया है। बोट जो बुक करना तो आप डायरेक्ट बोट ओनर से ही बात करना। ये है हमारे बोट ओनर, ओके राइस चावल, ओके तो ये राइस की फार्मिंग हो रही है इधर। सो गाइस यहाँ पे इस तरीके के बोट स्टॉप रहते हैं, जो गवर्नमेंट के बोट आते हैं, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट की बोट है। हम सब जानते हैं कि एलेप्पी फेमस है बोट हाउस के लिए, तो बोट हाउस का चेक इन टाइम होता है 12:30 बजे एंड 1 बजे से 5 बजे तक वो आपको बैक्सी वाटर में घुमाएंगे एंड 5 बजे शाम में वो किसी कॉन्स्टेंट जगह पर रुक जाते हैं, देन उसके बाद वो रात भर नहीं चलते हैं। तो शाम से लेके आप रात तक कहीं भी आसपास मार्केट घूम सकते हो एंड सुबह आपका 9 बजे चेकआउट टाइम होता है। अगर आप एलेप्पी जाए और आपको शिकारा राइड करनी हो तो क्या होता है कि जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग को समझ में आ जाता है आपकी व्हीकल का नंबर देख के, तो कई बाइक वाले आपको रोक के बोलेंगे हम सस्ते में करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बट आप उन सब चक्करों में मत पड़ना, डायरेक्ट आप बोट ओनर के पास जाना जो आपको रीजनेबल प्राइस में बोट आपको देंगे। जैसे कि हमने बुकिंग किया था तो हमारा 500 रुपीज़ लगा था, बट वो जो बीच के मीडिएटर होते हैं उन्होंने कहा हम 800 लेंगे और 750 पे उन्होंने माना, तो हमें पता था तो इसलिए डायरेक्ट हमने बोट ओनर से ही बात की। जो बोट है ये यहाँ का सबसे बड़ा हाउस बोट है, इसमें 11 रूम्स अवेलेबल हैं।
हमारा बोट राइड कंप्लीट होने वाला है, तो अब लंच का टाइम हो गया है, तो चलिए अब कुछ ट्रेडिशनल लंच करते हैं और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। तो ये है यहाँ का ट्रेडिशनल खाना, क्या क्या बताना होगा? तो सांबर। ओके, सांबर। ये तो बनाना फ्लावर और दाल और नारियल। ओके, ये तो आलू का सब्जी है। ओके, ये तो बीटरूट और धनिया का करंट जूस और ये पापड़। लंच करने के बाद हमें एक दोस्त मिला, फैलकॉन, उसके साथ हमने थोड़ी मस्ती की, नारियल पानी पिया हमने वहाँ पे और उसे नारियल भी खिलाया। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली था ये। मैंने तो ये मेरा दूसरी बार था एलएपी में, बट ये फैलकॉन से मैं पहली बार मिला। देखिए क्या मस्त वो खा रहा है, एकदम पेट की तरह था ये, बिल्कुल मज़ेदार था। तो अभी जो आपको रिज़ॉर्ट दिख रहा है, ये यहाँ का इकलौता रिज़ॉर्ट है जो कि इस बैक सी वाटर के बीचों बीच में है। तो देखिए काफ़ी अच्छा था और रहने के हिसाब से अच्छा है, बट हमें यहाँ रुकना नहीं था लेपी में, अभी हमें निकलना है मुन्नार के लिए। बट उससे पहले हम लाइट हाउस कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हमें केरला आयुर्वेदा में जाके कुछ मसाज वगैरह करना है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अन्ना से बोट पे 3 आवर्स हम लोग को पूरा विजिट करवाया, मैं नंबर दे देगा बोट का, तो आप कॉन्टेक्ट करके इनसे बात कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।